नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अर्पित और आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, जैसे कि अभी आप जो मेरे पीछे चने की फसल देख पा रहे होंगे, यह जो चने की फसल ही है यह करीबन आज हमारी 42 से 43 दिनों की हो चुकी है और इस खेत में अभी हम जो है पानी वगैरह लगाने वाले हैं। जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाइयों के मन में एक सवाल रहता है कि यार अभी हमारी फसल में फूल दिखाई देने लगे हैं तो अभी हमें पानी लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही हमें चने में पानी लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में आज की है जो वीडियो है वह होने वाली है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी अपने खेत में चने की फसल में पानी लगाने वाले हैं तो हमारी जो आज की वीडियो है उसको पूरी देखिएगा, आपको काफी बढ़िया जानकारी देखने को मिलेगी। तो चलिए किसान भाइयों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो किसान भाइयों, जैसे कि अभी आप जो सामने हमारी वेरायटी देख पा रहे हो यह करीबन आज 42 से 43 दिनों की हो चुकी है और उसमें फूल वगैरह भी दिखाई देना स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमारे बहुत से किसान भाइयों के मन में यह भी ख्याल आ रहा है कि यार इस बार हमें हमारे खेत में फूल दिखाई देने लगे हैं, ऐसी कंडीशन पर हमें पानी लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, और इस बार हमारे जो पानी लगाने से पहले हमें फूल क्यों दिखाई देने लगे हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो किसान भाइयों, इस बार हमारे यहाँ पर जो है बारिश हो गई थी और बारिश होने के कारण हमारे खेत में जो नमी है वह थोड़े ज्यादा दिनों तक टिकी थी, तो इसी कारण से इस बार हमारा जो पानी है वह 10 से 12 दिन लेट हो गया है और 10 से 12 दिन लेट होने के कारण हमारे खेत में हमें पानी फूल वगैरह दिखाई देना स्टार्ट हो चुके हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में भी इक्के दुक्के फूल दिखना स्टार्ट हो चुके हैं तो आपको पानी लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? तो किसान भाइयों, आप बेझिझक अपने चने की फसल में पानी लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि जहां जहां पर हमारे किसान भाई अपने चने की फसल में दो पानी देते हैं वहां पर हमारे किसान भाई जो दूसरा पानी है वो फूल की कंडीशन पर ही देते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आप अपने खेत में पानी लगा सकते हैं, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो किसान भाइयों, इसी के साथ में अब हमें चने में पानी लगाने से पहले ऐसे कौन कौन से काम है जिनको जरूर कर लेना चाहिए? तो किसान भाइयों, जैसे कि अभी हम जो है इस चने में 15 किलो प्रति एकड़ यूरिया के साथ में 400 ग्राम जो है स्वाधीन को लेंगे और उसको अच्छी तरह से यूरिया में मिला करके थोड़ा सा गीला करके और हमारे एक एकड़ खेत में हम इसका छिड़काव यानी कि फेंक देंगे यूरिया के साथ में। 10 से 15 किलो यूरिया के साथ में फेंकने पर हमारे खेत में जितनी भी जगह रहेगी यानी जड़ों के आसपास जो फंगस वगैरह रहती है या फिर जो उमले की समस्या है वो स्वाधीन के कारण काफी बढ़िया तरीके से सुधर जाएगी। इसी के साथ में यूरिया डालने का हमें एक फायदा यह मिलेगा कि जो 2 से 3 दिन तक हमारा खेत यानी कि थोड़ा गीला ज्यादा रहता है तो उस समय पर हमारे पौधों को यूरिया के थ्रू नाइट्रोजन मिल जाएगी, जिससे कि हमारी फसल की पीले होने की कंडीशन बहुत ही कम पड़ती है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी पानी लगा रहे हैं तो कुछ इस तरह से अपने खेत में आप यूरिया 15 किलो यूरिया के साथ में 400 ग्राम स्वाधीन को मिलाकर के छिड़काव कर सकते हैं। इसी के साथ में हमें पानी देते समय कौन कौन सी सावधानियों को रखना है अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि हमें चने की फसल में पानी देते समय कौन कौन सी सावधानियों को रखना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहली जो सावधानी है वो उसमें हमें रखना है कि हमारा जो पानी है वह काफी तेजी से निपटना चाहिए पूरे खेत में, यानी थोड़ा सा अगर आप ज्यादा तेज पानी देते हैं तो आपके खेत में काफी बढ़िया तरीके से यानी कि आपकी फसल पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा और आपकी फसल बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से ग्रोथ करती रहेगी। अगर आप धीरे धीरे पानी देते हैं तो आपकी फसल जो है उसको खराब होने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इसलिए आप जितना तेजी से हो सके उतनी तेजी से अपने चने की फसल में पानी दे। दूसरे नंबर पर जो ध्यान देने वाली बात है वह है कि आप अपने खेत में जहां पर पानी हो चुका है वहां पर दोबारा पानी नहीं जाने दें। अगर आप नाली वगैरह से पानी दे रहे हैं तो आप इस तरह से पानी दें कि आपके यहाँ पर पानी होता जा रहा है उस जगह पर आपका डबल पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर डबल पानी भी निकल जाता है तो भी आपकी फसल को काफी ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि किसान भाइयों, हमारी फसल में अगर पानी निकल जाता है तो हमारी फसल लाल या फिर पीली पड़ने लगती है और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे किसान भाइयों को ही होता है, क्योंकि उसका सीधा असर हमारी उपज पर पड़ता है और उपज पर असर पड़ने से हमारे किसान भाइयों की जेब पर भी उसका असर पड़ता है, जिससे कि हमारी फसल और हमारी लागत या आने वाली फसल उसकी लागत सभी पर हमें असर देखने को मिलता है। इसलिए किसान भाइयों, आप जो पानी है उसको जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से दें, साथ ही डबल पानी नहीं निकलने दें। और किसान भाइयों, अगर आपके पास स्प्रिंकलर वगैरह की व्यवस्था हो तो आप स्प्रिंकलर से भी पानी देकर के अपने चने की फसल से अधिक एवरेज ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि हम अभी जो स्प्रिंकलर वाले खेत में पानी लगाएंगे उस टाइम पर मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा कि स्प्रिंकलर वाले पानी में और रेलवा पानी में हमारी फसल कैसी लगी हुई है, साथ ही हमारा एवरेज भी जिस टाइम पर आएगा उस टाइम पर भी मैं आपको स्प्रिंकलर और रेलवा वाली पानी खेत की दोनों के ही एवरेज के बारे में भी जानकारी देता रहूंगा। तो किसान भाइयों, हमारी जो आज की वीडियो है उसको बनाने का मकसद यही था कि अगर आप भी अपने खेत में पानी लगाने वाले हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वहीं पर अगर आप भी अपने खेत में फूलों को देख करके थोड़े से हैरान हो रहे होंगे कि फूल आ गए हैं पानी दें या फिर नहीं दें, तो आप ऐसी कंडीशन पर भी अपने खेत में पानी लगा सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे इस खेत में जो है 2 से 4% फूल आए हुए हैं और आज 42 से 43 दिन की फसल है, अगर हम इस खेत में पानी लगाते हैं तो लगभग हमारी 4 से 5 दिनों के बाद में इस खेत में काफी बढ़िया तरीके से हमें फूल वगैरह दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, यानी कि हमारी जो चने की फसल है वह 65 से 70 दिनों तक रेगुलर ग्रोथ करती है। जैसे कि अभी हमारा पौधे की हाइट बढ़ना भी बाकी है, अभी पूरी तरह से हमारी हाइट भी नहीं बढ़ी है और काफी बढ़िया तरीके से यानी कि हमारी यह जो फसल है वह लगी हुई है। तो किसान भाइयों, रशियन गोल्ड में हम रेलवा पानी दे रहे हैं, पानी देने के बाद में इसकी क्या स्थिति बनती है उसके बारे में आपको हमारी आने वाली वीडियो में बताऊंगा, यानी पानी देने के 5वें दिन पर हमारी फसल की क्या स्थिति है उसके बारे में हमारी आने वाली वीडियो में आपको जानकारी देता रहूंगा।
तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी खेती किसानी जुड़ी हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर देखने को मिल जाएगी। और हमारी जो आज की वीडियो है उसमें इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक लीजिए जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय।